यूपी के बागपत जिले के जागो गांव में यमुना नदी के बीचों बीच इंडियन ऑयल कंपनी की गैस पाइपलाइन अचानक फट गई। गैस पाइपलाइन फटने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया, साथ ही गैस कंपनी के लोगों को भी जानकारी दे दी है। एक वीडियो में पाइपलाइन फटने के बाद पानी के ऊंचे फव्वारे को उठते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे छपरौली थाने के जागोश गांव के पास यमुना से होकर गुजर रही पानीपत दादरी गैस पाइपलाइन अचानक फट गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड, सिंचाई विभाग, जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देश के बाद फिलहाल गैस की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालात देखते हुए तुरंत रिफाइनरी से बात की गई, जिसके बाद गैस का प्रेशर कम कराया गया और लीकेज कम करने का काम शुरू हुआ। फिर बाद में गैस की सप्लाई को भी रोक दिया गया। हालांकि अभी गैस के अचानक लीक होने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यमुना में पानी के तेज बहाव में आए पत्थर से टकराने के कारण पाइपलाइन लीक हो गई है। गैस पाइपलाइन फटने के बाद यमुना नदी में पानी का उछाल देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सोशल मीडिया पर यमुना नदी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पानी की ऊंची लहरें उठती देखी जा सकती है। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से यमुना, गंगा, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही है। वहीं हिंडन नदी का पानी भी कई जगहों पर खतरे के निशान के करीब है। इससे निचले इलाकों में पानी घुस आया है।